जय मसीह दी सबनो, पास्टर जॉनी फर्नांडिस। और उम्मीद है कि आप सब ब्लेस्ड है। और आज का ये जो छोटा सा वचन है, मैं जबूर साम 23:23 से आयत एक और दो, वर्सेस 1 और 2 इंग्लिश में पढ़ूंगा पहला, और फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ताकि खुदा आपकी समझ भी बढ़ाएगा। और ये जबूर साम 23 में लिखा है, 1 और 2 में, 1 और 2 में, द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड। इसका मतलब ये है कि खुदा मेरा चरवाहा है। चरवाहा का काम क्या होता है? और भी दूसरा जो शब्द है हिंदी में, वो गेडेरिया, गेडेरिया। चरवाहा का काम या गेडेरिया का काम ये होता है कि जो उसके 7-5 जो भीड़ होती है, उसका देखभाल करने का। देखभाल कैसे करेगा वो? उनको खाना दिलाएगा, उनको वो एक दूसरे जगह पे लेके जाएगा, ताकि उधर उनको खाने को सही अच्छा खाना मिलेगा। और अगर कोई उनको हमला करने को आएगा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से जब किंग डेविड जैसा दाऊद उसके भेड़ों को लेके जाता था, तो फिर बहुत जानवर हमला कर सकते थे, तो वो उसकी रक्षा कर सकता था या करता था। तो ये हमारी आज की उम्मीद है कि खुदा हमारा चरवाहा है, और खुदा हमें ये करेगा, रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करके हमारा वो देखभाल करेगा, खाना दिलाएगा, पानी दिलाएगा, और अच्छी जगह पे हमें वो लेके जाएगा और हमारा संभाल करेगा। तो ये चरवाहे का काम होता है, द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड। और उधर लिखा है कि मुझे कुछ चीज़ों की कमी नहीं होगी, कुछ चीज़ों की कमी नहीं। जो भी ज़रूरतें होगी, जो भी हमारा दिन का गुजारा, और जो भी हमें इस दुनिया में जीने को जो भी हमारा हिस्सा है, खुदा प्रॉमिस कर रहा है, इधर वादा कर रहा है कि कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन ज़रूरी बात यह होती है कि हम खुदा से जुड़ते रहेंगे, खुदा के रक्षा में शामिल होंगे। अगर खुदा की रक्षा की जो कवरिंग जो होता है, जो एक शेल्टर बोलते हैं इंग्लिश में, छाया जो होती है, उसके बाहर आएंगे, तो फिर हमारी रक्षा नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम फिर एक ओपन स्पेस में आएंगे, खुली जगह पे आएंगे, जिधर हमारा आसानी से हमला हो जाएगा। शैतान आसानी से हमें तंग करेगा, आसानी से हमें वो कान में हमारा विस्पर करेगा या बातें बताएगा, वो ताकि हम भटक हो जाएंगे। ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ रहेंगे, खुदा का पीछा करते रहेंगे, तो फिर खुदा हमारा चरवाहा बनते रहेगा, और हम उसकी भेड़ बनते रहेंगे। हालेलुया। तो दूजी गल इधर लिखा है कि ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पैस्चर्स, हरी हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से वहाँ रखता है। बिसाइड्स ग्रीन, मेक मी लाई डाउन इन ग्रीन पैचर्स, हरी भरी, ये बहुत अच्छे लफ्ज़ है, हरी भरी चरागाहों में, और जिधर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, जिधर सफलता होगी, उस माहौल में खुदा की उम्मीद है हमें वो लेके जाने को। अगर हम उसकी छाया में रहेंगे, छाया के नीचे रहेंगे, उसकी रक्षा में रहेंगे, तो वो मेरा और आपका सच चरवा रहेगा या बनेगा या हो जाएगा। तो फिर ये सब जो वादा किया है वचन में, जो वादे हैं, इसका हिस्सा हमें बिल्कुल मिलेगा। तो आज की मेरी विनती है, और ये आज का जो इस छोटा वचन को लेके मेरी विनती है कि खुदा के छाया में, खुदा की जो छाया होती है उसके नीचे रहने का। इसका मतलब आप जिधर भी चर्चेज में हैं, जिधर भी कलीजा है, उसके जो लीडर्स लोग होते हैं उसके अंडर भी काम करने का ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे ही भटकने जाएंगे और आपका हमला आसानी से नहीं हो जाएगा। शैतान बहुत चालू है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करने का, क्योंकि शैतान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शैतान का जो एक चाल होती है वो लोगों को भटकाने की होती है, खुदा से दूर करने की उसकी इच्छा होती है। तो मेरी ये है, मेरी उम्मीद है, और मेरी प्रार्थना है कि आप खुदा के भेड़े
या उस वो खुदा आपका चरवाहा बनते रहेगा अच्छी तरीके से। लास्ट वर्स में इधर है दूजा पार्ट और सेकंड पार्ट बी पार्ट, ही लीड्स मी बीसाइड क्वाइट वाटर्स, वहाँ मुझको शांत जिलों पर ले जाता है। खुदा की मर्ज़ी यही है और खुदा का दिल यही है कि वो हमें वो इस बिसाइड्स क्वाइट वाटर्स शांत जिलों पर ले जाता है। ये उसका प्लान है, ये उसकी उम्मीद है, ये उसका दिल है या चाहत है, डिज़ायर है, इच्छा है कि हम हर टाइम इस जगह पे आएंगे ताकि हमें एक अच्छा क्वाइट वाटर्स का मतलब होता है जैसे जिलों पर लेके जाएगा, शांत जिलों पे क्वाइट वाटर्स, जिधर साफ़ सफाई होगी, जिधर पानी साफ़ होगा, जिधर हम जो पानी पी के हमें हमारी जो प्यास होगा वो आत्मिक प्यास वो मिट जाएगी। तो खुदा का वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। ये छोटा सा वचन था लेकिन मेरे हिसाब से खुदा बहुत ब्लेस करेगा अगर आप लोग इस वचन को लेके ज़िंदगी में लागू करेंगे तो, क्योंकि वचन में बहुत गलत होती है, बहुत बहुत बताया जाता है, लेकिन अगर हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर रिजेक्ट करेंगे, नाकारेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हमारी भलाई नहीं हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस चीज़ को लेके जो भी शेयरिंग किया है उसको लेके सीरियस लेंगे और आज का दिन ब्लेस हो जाएंगे। और दुआ करता हूँ जो भी खुदा को अभी तक चरवा नहीं बनाया है तो बनाओ, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आप बोल सकेंगे फिर खुदा मेरा चरवा है, और वो जो भी इधर वचन में लिखा है वो खुद ही करेगा आपके लिए। यीशु के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से सबको बरकत, ब्लेसिंग, चंगाई, हीलिंग। आज का दिन पास्टर जॉनी फर्नांडिस होली नेशन चर्च का हिस्सा हूँ मैं लंदन, और मैं हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च का हिस्सा हूँ जो साइप्रस में चल रही है। गॉड ब्लेस यू।